लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए स्क्वेयर प्लस 1 बाय ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस 1 बाय ए क्यू. ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले a प्लस 1 बाय a की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. देन a प्लस 1 बाय a का होल क्यूब करके हम ये बना सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से a प्लस 1 बाय a को कैलकुलेट करते हैं. गिवन है ए स्क्वेयर प्लस 1 बाय ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 27. वी हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब. यहाँ से a प्लस 1 बाय a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. हमें मालूम है इसका होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर प्लस 1 बाय a स्क्वेयर प्लस 2, यही होता है. तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म बनाएंगे सो दैट हमारे पास ये आ जाए, a स्क्वेयर प्लस 1 बाय a स्क्वेयर प्लस 2 करेंगे इक्वल्स टू 27 प्लस 2. सेम नंबर को बोथ साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत थी तो बोथ साइड 2 को ऐड कर दिया. अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू a प्लस 1 बाय a होल स्क्वेयर इक्वल्स टू यहाँ पर 29 आ गया. क्यूब चाहिए, इसका होल क्यूब करना है तो यहाँ पर स्क्वेयर नहीं, अकेला a प्लस 1 बाय a चाहिए. उसके लिए स्क्वेयर रूट लेंगे बोथ साइड, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ही स्टेप में कर दिया. आपको ये a प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू 29 स्क्वेयर की वैल्यू लिखनी है, ठीक है. उसके बाद आप लिखेंगे टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, देन ये स्टेप करना, ठीक है. मैंने इन शॉर्ट किया है. अब यहाँ पर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29. अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर प्लस माइनस लगता क्यों है. क्वेश्चन के एंड में आपको ये मैं बताऊंगी कि यहाँ पर हम जब भी स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ठीक है. पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं. हमें a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बोथ साइड क्यूब करेंगे. टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, a प्लस 1 बाय a होल क्यूब इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 29 प्लस माइनस होल क्यूब. अब यहाँ पर आइडेंटिटी ओपन कर देंगे. a प्लस 1 बाय a होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए. ये होता है a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1 बाय a इक्वल्स टू ये प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 होल क्यूब, ये प्लस का दूसरी साइड जाने के बाद माइनस 3 a प्लस 1 बाय a. यहाँ से a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल्स टू, देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 1 बाय a की प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29. यहाँ पर मैं इसको बाद में लिखती हूँ 3 इंटू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29, ठीक है. अब यहाँ पर भी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 है, यहाँ पर भी है. तो इसका मतलब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29. कॉमन निकालने के लिए इसको पहले से ही ब्रेक करके लिख लेते हैं. जैसे कि इसको मैं लिख सकती हूँ प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 इंटू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 होल स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं हम. इसकी पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर 2, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो अब यहाँ पर हम प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 को कॉमन लेंगे. यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल्स टू टेक प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29 कॉमन आउट एंड वी गेट इन ब्रैकेट. अब यहाँ पर देखो ये स्क्वेयर है, ये इसको सॉल्व करके क्या बना देगा, स्क्वेयर रूट को कट देगा, प्लस माइनस में से माइनस को हटा देगा तो बचेगा अकेला 29 माइनस. यहाँ से ये बाहर चला गया तो क्या बचा, अकेला 3. तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस ये वाला 29 माइनस 3 26 इंटू स्क्वेयर रूट 29, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए.
अब इसका आंसर तो हमने निकाल दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगता है। देखो हमारे पास है a प्लस वन बाय ए होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 29, यही है हमारे पास। यहाँ से देखो हमें मालूम है कि जो स्क्वेयर होता है वो चाहे नेगेटिव नंबर का हो चाहे पॉजिटिव नंबर का हो, स्क्वेयर उसको पॉजिटिव बना देता है। तो अगर यहाँ पर स्क्वेयर लगा है, हमें नहीं मालूम कि जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस भी लिखेंगे नेगेटिव भी लिखेंगे, ए प्लस वन बाय ए होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 29, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये स्क्वेयर ने स्क्वेयर रूट को हटा दिया, हमारे पास क्या बचा, ये प्लस माइनस ए प्लस वन बाय ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 29। अब यही वाला प्लस माइनस होता है जो दूसरी साइड हम यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं ए प्लस वन बाय ए इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 29। क्योंकि जब तक कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन स्क्वेयर में है, हमें नहीं मालूम कि वो प्लस है या नेगेटिव है, उसको हम सिंपल प्लस में लिख देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वेयर ने उसको पॉजिटिव ही करना है बेशक वो नेगेटिव हो। जब हमें स्क्वेयर रूट लगाकर स्क्वेयर को हटाना होता है तो वो प्लस माइनस दोनों वैल्यू के सामने लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बस यहाँ तक कंप्लीट करना होता है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया है।